YouTube family, welcome back to my YouTube channel. अभी recently मैंने कुछ comments पढ़े थे जिसमें आप लोग बोल रहे थे कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हो, उस रूटीन को दिखाओ, क्या क्या बना रहे हो, कैसे खिला रहे हो. तो अब नन्नू हो गई है प्रॉपर 8 महीने की. हाँ, मैंने ना इंस्टाग्राम पे नन्नू के 8 महीने की फोटो नहीं डाली. आप लोगों को पहले नन्नू दिखा देती हूँ. क्या देख रहे हो भाई, वीडियो बना रही हूँ क्या मैं? है? मैं कहीं नहीं जा रही नन्नू, मैं कहीं नहीं. चल मेरा घोड़ा टुडुक टुडुक टुडुक, पर ये इसको पकड़ कैसे कर. चल मेरा घोड़ा टुडुक टुडुक टुडुक, चल मेरे घोड़े तो नन्नू कहाँ हुआ बेटू, कहीं नहीं जा रही. देख मैं यहाँ बैठ गई, लो लो ये बैठ गई मैं, बस कहीं नहीं जा रही मैं, यही हूँ बेटू. अबे बच्चा, और ये मुझे नहीं जाने देती कहीं भी. अब मैं बैठ गई हूँ तो ये खुश है. बेटू मैं काम कैसे करूं, मेरे को नहाना भी होता है, मेरे को खाना भी खाना होता है. नहीं खाऊं मैं खाना. खाना खा लो, नहाने की क्या जरूरत है. नन्नू परफ्यूम लगा लेना. अच्छा ड्राई क्लीन कर लूं, है ना. ये भी बेड साफ किया था, देखो फिर इन दोनों ने मेरी क्या हालत कर दी. ग्रे सो कैमरा से बात करने बेटा, एक बार करियम. देखो गाइस, मैं अपनी मम्मी की चपत रहा हूँ. आपको अगर किसी से चलना सीखना तो मेरे घर जरूर आना. तो देखो का ये, का ये फोन है. मेरे को छप समझ आता है, मम्मा मेरा पागल बनाना चाह रही है. पर काज में नन्नू मैं गोदी नहीं लूंगी, मैं खाना ना लेके आऊं. नहीं, खाना ना लेके आऊं. ए लड़की देखो देखो कर क्या रही, देखो. हाँ खा जा, मुड़ के भर ले मेरे. नहीं तनु जा. मैं जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने नन्नू के लिए क्या बना के रखा हुआ है. ये देखो, इसमें है पीली वाली दाल, पीली वाली दाल, ये वाली दाल है, ये वाली दाल है, और एक पूरा आलू है. और ये मील इसकी 2 से 3 टाइम चल जाती है. मैंने क्या किया, इस दाल को और आलू को सीटी मरवा ली है, ना नमक डाला है ना कुछ और. और इसको अब मैं पीस लूंगी. मैं अभी भी क्या करती हूँ, नन्नू को सारा, मतलब जैसे अब ये बना दिया मैंने, जैसे उबालती हूँ ना घोट देती हूँ एकदम, तो चम्मच से हल्का हल्का और थोड़ा सा घोट के तो खिला देती हूँ. कई बार मैं क्या करती हूँ, उसको एकदम पीस देती हूँ ताकि ज़्यादा उसको स्वेलो ना करना पड़े, क्योंकि बच्चा है अभी भी. मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी पे मतलब वो ना रहे, उसकी पाचन शक्तियों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, धीरे धीरे हैबिट पड़े. अब देखो चिल्ला रही, मैं आ गई हूँ ना, मैं आ गई हूँ तो चिल्ला रही है. अब मैं पीस लूँ इसको. अभी छोटा सा बाउल है, इसको मैं भर लेती हूँ. एक बार में इतना नन्नू के लिए इनफ हो जाता है, ठीक है. और बाकी को मैं फ्रिज में रख देती हूँ, और बाकी का ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जैसे 2 घंटे के बाद फिर से खिला दूंगी. वैसे मैं इतना एक साथ बनाती नहीं हूँ, आज थोड़ा सा ज्यादा बन गया, वरना मैं सिर्फ 2 बार खा ले 2 घंटे के अंदर अंदर मैं इसको दे देती हूँ. क्योंकि बच्चे को आप बासा खाना मत दो, अच्छा नहीं रहता. बस खाना हम लोगों के लिए भी अच्छा नहीं रहता. बेटो लिया इसको,
हेलो गाइस, मैं दोनों खाना खा लिया, लेके आई बेटा, फोन पूरा बिखर गया है। तो ये भी एक रीजन है, ये देखो क्या हो गया, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा खाना बना के रख लेना चाहिए। पूरे में नन्नू ने गिरा दिया, एक लात मारी और सब बिखर गया। आगे मिल गई शांति, होगी खुशी। एक बार पकड़ो, मैं अभी कपड़ा लेके आई। मैं करती हूँ, आप नन्नू को पकड़ो। ये रोती है, रोती है तो बेटा मैं तो हाथ पर धोंगी ना अपने। रोती है तो आपको इतना तो दिख रहा होगा ना कि उसको धो के फिर से ले आए भाई, फिर से भरेंगे। अच्छा एक्स्ट्रा बनाया था आज। कहते हैं सब सच कहते हुए कि जो होता है ना हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। आज मैं सोच रही थी कि ज़्यादा बन गया है, तीन चार बार की मील बन गई, वेस्ट करने में मुझे थोड़ा लग रहा था कि अरे फेंकना पड़ेगा, लेकिन सही कहते हैं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। ए शैतान, अब तेरे को गोदी में नहीं लेके खिलाऊंगी। हट नन्नो, बेटा मेरा। मम्मा मम्मा पीछे हो थोड़ा। अब मैं चेंज करके आ गई हूँ पजामा। मम्मा यू आर इन बीटीएस? नहीं, आई एम नॉट इन बीटीएस। मेरा कैमरा एक बार थोड़ा ठीक करना बेटा, थोड़ा सा ऊपर लगाओ बेड के ऊपर से। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणम जानकी वल्लभम। ए नन्नड़, नाथ नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते। अब भी पैर मार रही है बेटा, अब भी पैर मार रही है, गिर जाएगा लाडो। वहां से बैठ लो फिर मुंह में डालो। हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्ण। निन्नी आ रही है भाई, नन्नू को आ रही निन्नी है ना। नन्नू निन्नी आई है, ये खा लो फिर हम दोनों सोई सोई करेंगे, ठीक है। हम तीनों तीनों को रात को भी नींद आ रही है बहुत जोर से। अच्छा तो सो जाओ, आप किस चीज का इंतजार कर रही हो? नहीं नहीं, मैं बेटा बहुत काम करूंगी, सो जाओ, मेरे को बहुत काम है ना, मैं नहाई हूँ ना मैंने कुछ खाया है। लो बेटा, एक बजने वाले हो। एक मोटा हाथी झूम के चला मछली के जाल में, जाके वो फंसा। मकड़ी ने फंसा के बोला इधर आ इधर आ। अरे मकड़ी मकड़ी के जाल को देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी झूम। मैं एक चीज दिखाती हूँ जिसमें मैं नन्नू को अनार वगैरह देती हूँ, दिखाइए बेटा वो नन्नू का, ये देखो। इसमें मैं क्या करती हूँ, नन्नू को एक संतरे का पीस, दो पीस, थोड़े से अनार छील के इसमें डाल देती हूँ, नन्नू उसको मतलब पी लेती है, मतलब चबा लेती है, उसका पेट भर जाता है तो इसमें साइड हटा दिया। तो अनार का पोर्शन मैं ऐसे देती हूँ, अनार को ना फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, तो उसको पूरे दिन में सिर्फ एक ही पार्ट कंज्यूम करवाती हूँ उस फोर पार्ट में से, छोटे अनार का, और वो उसको ले लेती है। और संतरे के दो पीस दे देती हूँ इसको, हाथ में पकड़ा देती हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है गले में ना अटका ले, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फीड करवा देती हूँ, फिर उसको सुला दूंगी क्योंकि उसको नींद आ रही है, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नन्नू हमारी सो के भी उठ चुकी, थप्पड़ नहीं मारी, वो प्यार कर रही है आप कैसे करिए। ओ सो के उठ गई है नन्नू पेट पूजा होने के बाद, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ अपनी कॉफी, और एक ब्रेड पे मैंने पीनट बटर लगा के खा लिया क्योंकि इतना ही बना और इतनी देर में ये उठ गई। परी ने बोला पीनट और ब्रेड खाऊंगी, मैंने कहा ठीक है, इसके लिए मैं बनाने गई। तो
फिर मैंने अपना भी एक बनाया, उसको मैं खाने लगी, इतनी देर में नन्नू और ये आ गए। चिंदी मम्मा को प्यार कर दे, दीदी को भी कर दे, मम्मा को कर दे, पहले मम्मा देखते पहले किसको पकड़ेगी, पहले मेरे को पकड़ना, मेरे को प्यार करिए पहले। नन्नू भी लेडी नन्नू भी लेडी मेरे से प्यार किया, चिढ़ जाती है बहुत जल्दी, चिढ़ जाती है, चिड़ोकली मेरी एक बार चिड़ोकली नन्नू इज चिड़ोकली, वेरी बड़ी चिड़ोकली। पूरा दिन कुछ इस तरीके से बीतते हुए और आज मुझे वीडियो भी शूट करनी है, तो 3:30 का टाइम मैंने दिया है, 3:30 मैं रेडी होंगी, 4 बज जाएंगे मुझे रेडी होने में, उसके बाद 2 लग जाएंगे मुझे वीडियो शूट करने में, उसके बाद ड्रेस चेंज करूंगी, मेकअप डालूंगी, फिर किचन में लग जाऊंगी, फिर नन्नू को संभालूंगी, फिर खाना पीना बनेगा और पूरा दिन मेरा ऐसे निकल जाएगा। क्या एडिटिंग? नरेंद्र बाबू रात को एडिटिंग, पता नहीं रात क्या होती है, रात को ही मम्मा को सारी चीजें याद आती है। रात को ये होता है बेटा, रात को ना मेरे घर में जो 3 जानवर है ना सो जाते हैं और मेरा सुकून मिलता, शांति एकदम, क्योंकि अब तीनों ही जानवर कटे गए। शक्ल नहीं दिखाई देती इंसानों जैसी, किसने कहा इंसानों जैसी शक्ल बेटा, आपकी भी नहीं है, आप कभी इंसान की देख शक्ल तो बंदर की भी इंसानों जैसी होती है, पर वो इंसान थोड़ी है, हरकतें तो उनकी बंदर वाली है ना, नहीं उनकी शक्ल इंसानों जैसी है। रात को ये तीनों सो जाते हैं और उसके बाद एडिटिंग करते हैं। गाइस गाइस सुनो सुनो सुनो, कमेंट कर दे रहा अब, जो घर में 3 जानवर है ना, जानवर कहना बंद करे और इंसान पुकारे, परी बुलाए, बच्ची बुलाए, हमारी ये बच्ची छोटी बच्ची। रात को बहुत शांति मिलती है मुझे, फिर मैं आराम से एडिटिंग करती हूँ, मैं पीते हूँ और मुझे शांति मिलती है, उसके बाद एकदम, अब देखो ये दोनों, फिर देखो इसको दिख गई, अब लूना लूना के पास भाग रही है, देखो लूना की चमची, ए नन्नू लूना की चमची, देख देख परी बीच में आगे चिढ़ रही है, लूना के पास जा रही है परी हट जा, देखने देख बार पानी नहीं तेरे पास आ रही है, परी गिर जाए, तो बिल्कुल भी उसको नहीं करने देते हैं जो वो करती, बेटा गलत बात है आपकी, सिर नहीं फुड़वाते, ये जो इसके कुंदे है ना, ये देखो शीशे के, ये देखो छोटे छोटे कुंदे नीचे लगे हुए जिस पे अटका हुआ ये बेटा, वजन से नीचे टूट जाएगा, टूटेगा तो कांच टूट जाएगा, कांच टूट जाएगा तो नन्नू को लग जाएगी, इसलिए मैं बोलती हूँ इसको हटवाऊंगी मैं, अब या तो उसको वो टाइट करके जाएगा या इसको हटवा के रखूंगी, अभी घर में सारी चीजें हट जाएंगी, वो देखो दिख रहा शीशे में लूना की चमची है, देखो शीशा बोलो टीवी, ये टीवी को चले हुए 3 हो गए, 3 से बंद है ये टीवी, पता तेरे को लूना, ये टीवी 3 से बंद है, चलता नहीं, ये मेरी शादी का टीवी है, चलता है ये, इसके ऊपर तो इसके ऊपर वो भी लगा रहा है, वो छतरी वाला नहीं होता केबल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, डिश टीवी, वो भी है, फिर चलाते टीवी, चलाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीवी नहीं देखता परी के अलावा, परी भड़क मचाती है इसलिए परी की हमने बैठक में लगा रखी टीवी, टीवी देखने का टाइम नहीं मिलता, देखो अब मैं कई बार सोचती हूँ कि उसको रिचार्ज करवा लेते हैं डिश टीवी को, कभी कभी तो देख लिया करेंगे, बिग बॉस जब शुरू हुआ था तब मैंने सोचा था कि टीवी का रिचार्ज करवाएंगे, फिर भी नहीं करवाया, फुर्सत ही नहीं यार, यार किस बोला, सॉरी, देखो नन्नू का मजा, नन्नू भाई मेरे से ज्यादा एक्साइटेड है पार्सल खोलने में, पार्सल आया है और नन्नू कह रही मैं पार्सल खोलूंगा, देखिए कैसे ओपनिंग कर दी है नन्नू, बेटा कैमरा दूर कर लो इधर से, नन्नू पूरा इंटरेस्ट लेते हैं पार्सल खोलने में, ऐसे ऐसे करके खोल भी रही है, नहीं खुलेगा बेटा आपसे,
गाइस देखिए कैसे खोल रही है, उल्टी साइड कर लो ना। लो ओपन करो इसको, ओपन देखो ओपन कैसे किया जाएगा नानू। बताना इसमें क्या है, ठीक है? प्रमोशन वालों को रिव्यू देना कि कैसा प्रोडक्ट भेजा आपने। उल्टा ही चाहिए। नानू पास ले जाते हैं, खोल रहा है, खोल रहा है। दिखाइएगा पहले कैसे लिपस्टिक भेजिए। LIP लिप। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बताइएगा। नैनू का एक्साइटमेंट हो रहा है, देखो। नन्नू को तो देखो गई, ये बेबी पाउडर आया भाई नन्नू के लिए। देखिए और नन्नू की गुद्दी पे ऐसे डाल देंगे उसको। नन्नू के लिए आया है तो ये क्या है, मेकअप रिमूवर है भाई ये। बेबी फेस वॉश एंड बॉडी वॉश, ये फरी के काम का है। चलो गाइस मेरे लिए तो कुछ आया, ये मैट वेलवेट लॉन्ग स्टिक लिपस्टिक है ये भाई, लिपस्टिक न्यूड्स। और देखना पड़ेगा इसमें किस टाइप की लिपस्टिक्स हैं और ब्रांड कौन सा, TNW। इसमें आई है चार लिपस्टिक, आप लोग TNW लिपस्टिक का रिव्यू मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊंगी। और एक और क्या आया है ननू को, आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी, बेबी सनस्क्रीन। ये भी परी जैसे धूप में अब वर्कआउट वगैरह करती है या आपका बच्चे को लगता है आपको कि टैन मैन है, तो इन सब का मैं आपको डिस्काउंटेड कूपन कोड वगैरह सब अवेलेबल करवाऊंगी। नेक्स्ट व्लॉग इन्हीं सब का आने वाला है। परी कहती मेरे लिए क्या आया, और ये डब्बे हम इकट्ठे करते रहते हैं क्योंकि हम कबाड़ी वाले को दे देते इकट्ठा करके। झूठ बात बोलो, क्यों झूठ बोल रहे, कबाड़ी वाला लेता बेटा, ये 2 रुपए का एक लेता ना लूंगा। हां 2 रुपए का एक लेता वाला डब्बा। और सच्ची में देती हो? पीछे देख उधर जांघों से रखे हैं, उधर इतने इकट्ठे कर रखे हैं। अब देखो ननू को शैम्पू में इंटरेस्ट है, ननू को सबसे पहले ये अच्छी लगी। ननू को अच्छी लगी हो ना लगी, आपका बहुत इंटरेस्ट है लिपस्टिक पे। बहुत सही है, खुशी है। छोड़ो इसको, कर दो बंद ब्लॉग। अब पापा कहते ननू पट्टी कर देती। अरे परी के पापा पहुंच गए नन्नू की पट्टी धोने। वाओ, और मैं हो रही यहाँ पर रेडी। परी जाओ बेटा एक बार हेल्प करवा दो। आज हम दोनों ने रेड रेड पहना हुआ था, और इनको इतनी जल्दी रहती है ना कपड़े निकालने को, एक मिनट में शर्ट निकाल के फेंक दिया। देखो ये देखो वो शर्ट टांगी, क्यों भाई? मैंने कहा था ना व्लॉग के लिए शर्ट दोनों सेम सेम पहनेंगे। कोई बात ना, कोई बात ना, देते व्लॉग में काफ के बाल दिख रहे हैं, सूख ले काफ के बाल। मेरी वीडियो पूरी दिखाना साड़ी की, हम दोनों ने रेड रेड पहना था, अच्छा लग रहा है। आप लोग जरूर जाके इंस्टाग्राम की वीडियो देख सकते हो। पानी लागे बोर का लागे हाथ बजाना से दो संत सिमा दे माए मन में ससुर में जाना से। अगर ये वाली साड़ी आप लोगों को लेनी है बहुत ज़्यादा प्यारी है, दिव्या ट्रेंडी फैशन पेज है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन पे आईडी मेंशन कर दूंगी। यूनिक चाहिए करवा चौथ के लिए, रेड भी है यूनिक भी है। ओवरऑल रेड आप लोग नहीं पसंद करते हो तो बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, कॉम्बिनेशन है, जाइए और ले लीजिए, ट्रस्टेड पेज है। मेरे पति देव कह रहे ये कह रहे पीछा छोड़ दे मेरा, जल्दी जल्दी निपटा मुझे एकेडमी जाना है। काम तो हम सर, मैंने सोचा था 2 साड़ी में कर लूँगी शूट, लेकिन यार बच्चों को देखते देखते लेट हो ही जाता है, फिर मेकअप वगैरह करो और हमारा फिर से शूट लेट हो गया और अंधेरा हो गया, देख रहे हो आप लोग, अंधेरा सा हो गया एकदम। तो अब मैं चेंज करके जाऊंगी, इतनी देर में तो एकदम अंधेरा हो जाएगा और कैमरे में लाइटिंग नहीं आएगी नीचे हमारे, देखो अंधेरा अंधेरा हो गया। लाइट ऑन कर दिए, पानी पीना, बहुत तेज़ प्यास लग रही है।